हेलो एवरीवन, आपने आलू गोभी के बारे में भी सुना होगा, आपने गोभी मटर के बारे में भी सुना होगा, बट कभी क्या आपने मटर गोभी के बारे में सुना है? जस्ट जोकिंग। सो आज मैं आपको एक ऐसी पंजाबी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपके खाते ही ना बल्ले बल्ले होने वाली है। तो मैं बात कर रही हूँ गोभी मटर की सब्ज़ी की विद अ लिटिल ट्विस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गोभी को हल्दी एंड नमक वाले पानी में डिप करके थोड़ी देर बॉईल किया है ताकि अगर इनके अंदर कोई भी कीड़ा हो वो यहाँ पर निकल जाए, वो ऊपर आ जाते हैं। देन मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो करूँगी। सो हमारी जो गोभी है वो अच्छी तरह से यहाँ पर बॉइलिंग मोड में आ गई है, तो मैं अब जो फ्लेम है उसको ऑफ कर दूंगी एंड मैं इन्हें एक एक करके बाहर निकाल लूँगी। बाहर निकालने के बाद मैं इन्हें अच्छी तरह से वॉश करूँगी ताकि अगर थोड़ा बहुत भी इसमें कुछ रेजिड्यू रह गया होगा वो यहाँ से निकल जाए। तो आपको अपनी गोभी के इतने छोटे छोटे पीसेस करने हैं। यहाँ पर मैंने तीनों गोभी के पीसेस कर लिए हैं। अब मैं इनमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है लगभग 2 बड़े चम्मच आटा। आप इसके अलावा बेसन, आप कॉर्नफ्लावर या मैदा भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने आटा लिया है। तो इसको अच्छी तरह से कोट कर दिया है, देन हम इसको डीप फ्राई करेंगे। सो जब आप इनको डीप फ्राई कर रहे होंगे तभी आपका मन ना बल्ले बल्ले कर रहा होगा कि अभी इनको जस्ट उठाएं और थोड़ा सा ठंडा करके खा लें। ज़्यादा गर्म तो नहीं खाना चाहिए, जीभ जल सकती है, बट येस मेरा मन तो काफ़ी कर रहा था कि मैं इन्हें उठाऊं और खा लूं, बट क्या करें, सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पर जितनी भी गोभी थी मैंने यहाँ पर उनको डीप फ्राई कर लिया है एंड उसके बाद हम इनको कुक करेंगे। इतने हमारी गोभी जो और हैं वो डीप फ्राई होती हैं, इतने हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो उस पेस्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज टमाटर, 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच जिंजर। अब जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो हमने धनिया बाद में डालना है उसके साथ साथ हम इसको इस तरह पेस्ट करके भी डालेंगे तो बहुत एक अच्छा, जैसे सालसा होता है ना उस तरीके का ये एक टेक्स्चर क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसको कुकिंग में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल कम करके यहाँ पर मैंने लिया है जीरा, तेज़पत्ता, 2 इलायची, कुछ काली मिर्च एंड इसको अच्छी तरह से पकने दूंगी। देन मैं इसमें डाल रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन। फाइनली चॉप्ड होना ज़रूरी है क्योंकि तभी वो टेक्स्चर आ पाएगा जो हमें चाहिए। तो जब जो प्याज है अच्छी तरह से कुक हो जाएगी देन हम इसमें डालेंगे मटर। मटर को हल्का सा मैंने माइक्रोवेव कर लिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छी तरह से मटर को मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर इसे हल्का सा कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और यहाँ पर 1 चम्मच सब्जी मसाला। तो जब इन सब चीज़ों को डाल दूंगी तो अच्छी तरह से इनको सॉटे करूंगी और थोड़ी देर और कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। जितने भी मसाले मैंने यहाँ पर डाले हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैं मिक्सचर डाल दूंगी जो मैंने धनिया और टमाटर के साथ बनाया था। तो इसको डालते ही आपके पूरे घर में ना धनिया की स्मेल हो जाएगी। तो ये एक धनिया इन्फ्यूज्ड एक करी है जो बहुत ही टेस्टी लगी खाने में। आई डोंट नो आपने पहले ये कभी ट्राई किया है या नहीं किया है, मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है एंड बिलीव मी इतना अच्छा टेस्ट आया कि सब ने तारीफ़ की। तो कुछ देर के लिए मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था ढकने के लिए ताकि जो हमारी मटर है वो पूरी सॉफ्ट हो जाए। और जब आपकी मटर 90% सॉफ्ट हो जाए तो आप इसमें ऐड कर दीजिए अपने गोभी के पीसेस एंड ये फिर रेडी टू मिक्स है। बस आपको इसको 5 मिनट के लिए चलाना है और आपकी सब्जी जो है वो बन के तैयार हो चुकी होगी। और आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि जो गोभी के डंठल थे उनको भी मैंने यहाँ पर बॉईल किया था, तो उनके भी छोटे छोटे पीसेस करके मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि जो गोभी के डंठलों का टेस्ट है वो अलग ही आता है। तो इस सब्जी में उनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद कवर करके 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे एंड यहाँ पर आपकी सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद इसको गार्निश करिए कोरिएंडर से एंड ये सर्विंग के लिए तैयार है। तो इस तरह की मज़ेदार सब्जी आपने कभी अगर टेस्ट नहीं की है सो आज ही अपने घर में इसको ट्राई करिए क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो गोभी यहाँ पर बेशुमार अवेलेबल है। सो अभी मार्केट जाइए, गोभी लेके आइए और आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अमेजिंग टेस्टी रेसिपीज़ के लिए।
तो मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक यू ऑल टेक केयर, बाय बाय।